हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन, और आपका बहुत बहुत स्वागत है एसएससी जीडी की प्रैक्टिस क्लास में, जहां हमारा टारगेट है एसएससी जीडी 2021 में 92 प्लस स्कोर करने का, और जिसके लिए ही स्पेशल प्रैक्टिस सीरीज बनाई गई है, जिसमें आज हम करने वाले हैं जीएनजी के 11th मार्च 2019 एसएससी जीडी थर्ड शिफ्ट का पेपर। जी हाँ, जीए और जीके के जितने भी प्रश्न थर्ड शिफ्ट 11th मार्च 2019 में एसएससी जीडी में पूछे गए थे, आज हम वो सारे प्रश्नों पर प्रैक्टिस करेंगे। एक्चुअली प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि जो स्टैटिक जीके का क्वेश्चन होता है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटेड होते हैं, सो रिपीटेड क्वेश्चंस पे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरा, आपको आइडिया मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सा सेक्शन हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी में इंपॉर्टेंट है जिससे बार बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए प्रैक्टिस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर एग्जाम से कुछ दिन पहले तो केवल प्रैक्टिस प्रैक्टिस ही होना चाहिए, क्योंकि एज आई ऑलवेज से प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो चलिए शुरू करते हैं, इसी थॉट के साथ सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं कि जीए एंड जीके के सेक्शन में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर में, वो क्या क्या क्वेश्चंस थे और उनको सॉल्व करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को, बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन जो आज के सेशन में हमारे पास है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम लॉ मिनिस्टर यानी कि कानून मंत्री कौन थे, ये हमसे पूछा गया एसएससी जीडी 2019 के पेपर में। ऑप्शंस हमारे पास है जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल कलाम आजाद, भीमराव अंबेडकर और असफ अली। सो जवाहरलाल नेहरू तो फर्स्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, ये बात तो सबको पता होगी, लेकिन फर्स्ट लॉ मिनिस्टर कौन थे? फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे भीमराव अंबेडकर, या भीम राम जी लिखा हुआ है, भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने हमारे संविधान को ड्राफ्ट किया था, वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, भीमराव अंबेडकर जो थे हमारे देश के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि फोटोसिंथेसिस इन प्लांट्स कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी टू डैश एनर्जी, जो प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है यानी कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, वो क्या करता है, लाइट एनर्जी को किस में बदलता है, यानी कि जो सूर्य की रोशनी है उसको किस में बदलता है। ऑप्शंस हमारे पास है थर्मल, केमिकल, काइनेटिक और फिजिकल। सो चार ऑप्शंस हमारे पास है, थर्मल, केमिकल, काइनेटिक और फिजिकल। सो जो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है उसमें लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में परिवर्तित कर दिया जाता है, केमिकल एनर्जी में परिवर्तित करके क्या जो है वो ग्लूकोज बनाया जाता है। सो ऑप्शन बी हमारा क्या है, ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है द मेजर गैप इन द वेस्टर्न घाट्स इज एट, जो वेस्टर्न घाट्स है उनमें जो मेजर जो बहुत ही मेजर गैप है वो कहाँ है, कौन सी जगह पे है। तो ये जो है हमारे पास चार ऑप्शन है, पालघाट, मैंगलोर, मदुरई और मणिपुर। बात वेस्टर्न घाट्स की हो रही है तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, पालघाट। जी हाँ, पालघाट, वेस्टर्न घाट्स का जो मेजर गैप है वो पालघाट में देखने को मिलता है, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द घूमरा डांस इज फ्रॉम द स्टेट ऑफ, अब डांस फॉर्म्स कल्चर, इंडियन कल्चर एंड इंडियन हिस्ट्री से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जिनमें कि फोक डांस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। देखिए इस बार पूछा गया है कि 2019 के पेपर में पूछा गया है कि घूमरा डांस जो है वो कौन से स्टेट का फोक डांस है। सो घूमरा जो डांस है वो ओडिशा का डांस है, घूमरा जो है वो ओडिशा का फोक डांस है। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताना है कि पंजाब, तमिलनाडु और केरला से जो डांस फॉर्म्स बिलोंग करते हैं उनके नाम मुझे कमेंट सेक्शन में आपको लिख के बताना है। और ये सेक्शन जो है डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया, ये आपको हर हाल में सारे ही डांस फॉर्म्स चाहे वो क्लासिकल हो या फोक हो वो आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मटकी इज अ फॉर्म ऑफ डांस फ्रॉम द स्टेट, आप देख सकते हैं कि डांस फॉर्म्स जो है वो कितने इंपॉर्टेंट है, एक ही पेपर में दो दो क्वेश्चन है डांस फॉर्म से, यानी कि आपके दो मार्क्स पक्के। सो इस बार पूछा गया है कि मटकी इज अ फॉर्म ऑफ डांस फ्रॉम द स्टेट, तो मटकी जो डांस फॉर्म है ये मध्य प्रदेश का है, मध्य प्रदेश, अब गरबा जो है वो गुजरात का होता है, मध्य प्रदेश से मटकी डांस ओरिजिनेट हुआ है, मटकी डांस जो है वो मध्य प्रदेश में काफ़ी पॉपुलर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि द चोला एम्पायर ऑफ द साउथ एमर्ज्ड इन, जो चोला डायनेस्टी थी जिन्होंने दक्षिण भारत में रूल किया था, दक्षिण में साउथ इंडिया में रूलर्स थे वो, चोला एम्पायर काफ़ी फेमस
और काफ़ी अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। और इनकी जो सबसे खास बात थी, इनका नेवी सिस्टम, चोला एम्पायर का जो नेवी सिस्टम था ना, वो बहुत ही पॉपुलर था। तो हमें ये बताना है कि कौन सी सदी में इनका जो है ये चोला एम्पायर आए थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो क्या है, 9th सेंचुरी BC, 19th सेंचुरी AD, 9th सेंचुरी AD और 17th सेंचुरी AD। सो यहाँ पे हमारे पास कंफ्यूज करने के लिए सेंचुरी BC और सेंचुरी AD भी है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो 9th सेंचुरी AD, ऑप्शन सी होगा। 9th सेंचुरी AD में चोला एम्पायर जो है वो इंडिया में इमर्ज किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि इन द 2016 ओलंपिक्स मेंस सिंगल्स बैडमिंटन टाइटल वाज वॉन बाय, 2016 में ओलंपिक्स के मेंस सिंगल्स बैडमिंटन टाइटल किसने जीते थे। आप देख सकते हैं कि करंट का भी जो है वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली स्पोर्ट्स की बात करें तो स्पोर्ट्स से बहुत सारे प्रश्न जो है इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो ऑप्शंस हमारे पास क्या है, ली चोंग वी, किदांबी श्रीकंठ, चेन लॉन्ग एंड लिन डैन। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, चेन लॉन्ग करेक्ट आंसर होगा, जिन्होंने 2016 में ओलंपिक्स मेंस सिंगल बैडमिंटन टाइटल जीता था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हिस्ट्री से है और काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है, काफ़ी बार आया है और बिल्कुल इसके आने की बहुत संभावना है। यही तो मैंने कहा कि इन सारे क्वेश्चंस को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको क्या फ़ायदा होगा कि जो रिपीटेड क्वेश्चंस होंगे वो आप गलती नहीं करेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो रिपीटेड होते हैं। इस बार हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि द ब्रिटिश रूल्ड इंडिया फॉर नियरली, ब्रिटिश ने इंडिया में कितने वक्त के लिए रूल किया है। सो ऑप्शन से 50 ईयर्स, 200 ईयर्स, 100 ईयर्स एंड 500 ईयर्स। सो ऑप्शन जो है हमारा बी, 200 साल जो है वो करेक्ट आंसर है। ब्रिटिश ने इंडिया में 200 सालों तक करीब रूल किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि वेयर डिड द चिपको मूवमेंट फर्स्ट स्टार्ट इन इंडिया। एनवायरमेंट अवेयरनेस की अगर बात करें तो चिपको मूवमेंट जो रहा है वो काफ़ी फेमस रहा है, और वो इंडिया में सबसे पहले कब स्टार्ट, कहाँ स्टार्ट हुआ ये हमें बताना है। ऑप्शंस जो गिवन है वो है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका और उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि अ पर्सन हु एडवोकेट्स सेपरेशन ऑफ द स्टेट फ्रॉम रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस इज कॉल्ड अ। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि एक वो व्यक्ति जो कि इस बात का समर्थन करता हो कि जो स्टेट है उसका अलगाव होना चाहिए रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से, यानी कि स्टेट और रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं वो अलग अलग होनी चाहिए। जो स्टेट है वो अलग और धार्मिक संस्थाएं जो हैं वो अलग, ऐसे इंस्टीट्यूशन को हम क्या कहते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन के लिए कौन सा शब्द यूज़ किया जाता है। काफ़ी ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर शब्द है सेक्युलरिस्ट। सेक्युलरिस्ट ऑप्शंस थे हमारे पास कम्युनलिस्ट, सोशलिस्ट और फेमिनिस्ट। जी नहीं, जो सही आंसर होगा वो सेक्युलरिस्ट होगा। सेक्युलरिस्ट में क्या हम कहते हैं कि स्टेट का जो है रिलीजियस इंस्टीट्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी स्टेट के मैटर में किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन या रिलीजन के बेसिस पर कोई भी जो है फ़ायदा या नुकसान नहीं होने वाला है। सो ऑप्शन बी, सेक्युलरिस्ट हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द प्राइम मिनिस्टर हु लेड इंडिया ड्यूरिंग द 1965 वॉर विद पाकिस्तान इज। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि तो उस प्राइम मिनिस्टर का नाम हमें बताना है जिन्होंने 1965 में पाकिस्तान के वॉर के समय वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे, यानी कि 1965 में जो इंडिया का वॉर हुआ था पाकिस्तान के साथ उस वक्त भारत के प्रधानमंत्री कौन थे ये हमें बताना है। ऑप्शन हमारे पास है मुरारजी देसाई, इंदिरा गांधी, लाल बहादुर शास्त्री या फिर ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, लाल बहादुर शास्त्री करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है विच इज़ वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ सब्सिस्टेंस यूज्ड टू मेजर पॉवर्टी लाइन इन इंडिया, यानी कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करने के लिए या उनका मेजरमेंट करने के लिए कौन से फैक्टर को हम यूज करते हैं। और ऑप्शंस हमारे पास है इक्वालिटी, एजुकेशन, इंटरनेट या ट्रांसपोर्टेशन। सो चार ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं, तो इनमें जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, एजुकेशन, यानी कि शिक्षा जो है इस पे हम तय करते हैं कि भारत में गरीबी रेखा जो है वो क्या है और कितनी है। तो ऑप्शन डी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द मेंस टाइटल ऑफ द 2018 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस चैंपियनशिप वॉज वॉन बाई, 2018 में ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस का मेंस टाइटल किसने जीता था, हमें ये बताना है। ऑप्शंस हमारे पास है राफेल नडाल, रोजर फेडरर, स्टैन वॉरविंका एंड एंडी मुरे। सो ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन बी रोजर फेडरर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है कि द 2017 साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर बंगाली वॉज वॉन बाय, 2017 का साहित्य अकेडमी अवार्ड बंगाली भाषा के लिए किसे मिला है। ऑप्शंस हमारे पास है हिमांशु बोस, अफशर अहमद, रमेश मेघ या फिर डेविड भट्टाचार्य। ऑप्शन जो है चार ऑप्शन है और इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी अफशर अहमद, जिन्हें 2017 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से नवाजा गया है बंगाली के लिए। सो आप देख सकते हैं कि हमारा जो इंडियन कल्चर है वो कितना इम्पॉर्टेंट है, अकेडमी अवार्ड साहित्य से प्रश्न जो है वो जीडी के पेपर में देखने को मिलते हैं। सो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो, होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और ऐसे ही महामाया सिलेक्शन के साथ प्रैक्टिस करते रहें। ऑल द बेस्ट फॉर जीडी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।